फ्रेंड्स, हम आज और देर टाइम घूमने आए हैं फिर से। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये पिछले वीडियो में ये कपड़े से ढका हुआ था और ये अब अनरैप हो गया है। अनरैप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर हमें आज मौका मिला है यहाँ पे आने का। तो आज हम घूमेंगे और हो सकता है शायद हम ऊपर भी जाएं इसके। और चलिए, आज काफ़ी बारिश हो रही है तो मौसम उतना अच्छा नहीं है फिर भी। तो अब फिर ट्रेन जाने के लिए आपको यहीं से नीचे जाना पड़ता है और ये जो रास्ता है सामने जो रोड है उसके नीचे से होके आगे ट्रेन के बिल्कुल नीचे लेके जाता है। ये अमर जवान ज्योति जलती हुई, ये हमेशा जलती रहती है। और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर वन के किसी अननोन सोल्जर के लिए बनाया हुआ है। आगे ट्रंप का जो कंस्ट्रक्शन है 1806 में स्टार्ट हुआ था और इसके कंस्ट्रक्शन पूरा होने में करीब 30 साल लगे। और ये मॉन्यूमेंट है फ्रांस के नेपोलियनिक वार और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया हुआ है। और आप जो नाम लिखे हुए देख रहे हैं, ये फ्रेंच जनरल्स जितने थे और जितनी वार फ्रांस ने लड़ी है और जीती है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हमें आंटी ट्रैंक के अंदर एंट्री मिल गई है और अब हम स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से राउंड राउंड स्टेयर्स ऊपर की ओर जाती हैं। हाँ, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी आएंगे आपको स्टेयर से ही ऊपर जाना होगा। विंटर मंथ्स में नवंबर से लेके फरवरी तक हर मंथ के फर्स्ट संडे फ्री एंट्री रहती है। आर्क दे ट्रंप जो है ट्रंपल आर्किटेक्चर शैली में बनाया गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि विश्व में, वर्ल्ड में और जहाँ जहाँ भी ट्रंपल आर्क बने हुए हैं उसमें हमारा एक दिल्ली का इंडिया गेट भी है। Now heading towards the upper floor. अभी जिस फ्लोर पर थे हम वहाँ पर गैलरी टाइप बनी थी एंड साथ ही टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल थे। अब हम टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं जो कि जहाँ से हमें टॉप व्यू पूरा ओपन एरिया दिखाई देगा। तो यहाँ टेरेस पे आपको एक शॉप भी दिखाई देगी, सोवनियर शॉप। Thank you.
ये हम ऑलमोस्ट टेरेस पे पहुंच गए हैं और अभी भी बारिश हो रही है तो हमें छतरी निकालनी पड़ेगी पहले तो। क्योंकि ये सामने की वही रोड है जहाँ से अभी हम आए थे। प्रॉपर एक स्क्वायर है जहाँ से पता नहीं कितनी सारी रोड्स निकले हुए हैं, 12 रोड्स निकले हुए हैं। और ये देखिए आईफिल टावर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। हालांकि अभी आईफिल टावर की लाइट्स ऑन नहीं हुए हैं क्योंकि अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है। भाई विंटर्स में यदि आपको कुछ रिकॉर्ड करना हो तो फिर आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है। तो बेस्ट वे आप रेनप्रूफ जैकेट पहने और निकल जाएं घूमने के लिए। यहाँ काफ़ी विंडी है तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर रहे हैं और अभी हमें दूसरे प्लेसेस भी जाना है घूमने के लिए, तो अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ का तुम्हारा